करूर नगर इंडोर स्टेडियम से, जहां पे 43rd आरआई स्टील सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप आयोजित किया जा रहा है और आज इस प्रतियोगिता का आखिरी दिन है। और फिलहाल आप देख रहे हैं फाइनल मैच मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। व्हाइट फ्लैनल्स में ड्रेस में है मध्य प्रदेश के खिलाड़ी और मरून कलर के ड्रेस में है राजस्थान के। और जैसे कि हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश डिफेंडिंग चैंपियंस है और बहुत ही शानदार प्रदर्शन उनका रहा और फिलहाल अटैकिंग राजस्थान करते हुए। और ये दूसरा क्वार्टर है और लीड मध्य प्रदेश के पास। फिलहाल बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था फर्स्ट हाफ क्वार्टर में, लेकिन अब बहुत अच्छा कमबैक राजस्थान का। फिनिशिंग शानदार रहा फिर से मध्य प्रदेश के खिलाड़ी का, तारीफ करनी होगी। और एक कड़ा मुकाबला फिलहाल दोनों के बीच में। ये सेकंड क्वार्टर चल रहा है, अच्छी लीड बनाई थी फर्स्ट क्वार्टर में मध्य प्रदेश ने, लेकिन राजस्थान लगातार अटैकिंग करते हुए बहुत ही सुंदर। इस बार जैसे नंबर 5 शेख सैफ अली, और जिन्होंने काफी पॉइंट्स हासिल किए अपनी टीम के लिए, अच्छा तालमेल और फिनिशिंग सुंदर ढंग से कर रहे हैं। मध्य प्रदेश किस मिस किया, डाल नहीं पाए बास्केट में। और नवदीप सिंह ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया और लीड में आगे फिलहाल राजस्थान। मध्य प्रदेश को संघर्ष करना पड़ रहा है सेकंड क्वार्टर में। अच्छा पास था लेकिन फिनिशिंग भी अच्छी ढंग से किया वहां पे तरुण मोरे ने। और राजस्थान लगातार अटैकिंग कर रहे हैं। लीड पर राजस्थान, सेकंड क्वार्टर, ये फाइनल मैच मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। 43rd सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जो कि हैदराबाद के सरूर नगर में आयोजित किया जा रहा है। एक और बास्केट यहां पे जैसे नंबर 7 सचिंद्र शर्मा। 28 सेकंड्स जो टाइम आपके पास रहता है उसमें आपको फिनिशिंग भी करना पड़ता है। और एक और बास्केट राजस्थान के खिलाड़ी लगातार अटैकिंग कर रहे हैं और अचानक दबाव में आगे मध्य प्रदेश सेकंड क्वार्टर में। बहुत अच्छा वहां पे रिसीव किया, पास लॉन्ग था और सुंदर फिनिशिंग फिर से एक बार। वेरी गुड अटैकिंग प्ले बाय राजस्थान, वर अंडर प्रेशर इन द फर्स्ट क्वार्टर। अगेन वेरी वेल कलेक्टेड एंड फिनिशिंग वॉज सुपर्ब बाय जेसी नंबर 12 देयर। 2 मिनट्स टाइम लेफ्ट इन द सेकंड क्वार्टर एंड राजस्थान और इन द लीड नाउ। दे स्ट्रगल्ड अ बिट, मध्य प्रदेश डूइंग वेल नाउ, अगेन मिसेस जैसे नंबर 7। बॉल को लेके काफी आगे तो बढ़ गए थे लेकिन यहां पे फाउल हुआ और एक मौका मिलेगा मध्य प्रदेश को थोड़ा सा लीड कम करने के लिए। जैसे नंबर 7 सचिंद्र शर्मा, डी के अंदर से एक मौका गंवाया उन्होंने। बहुत सुंदर अटैकिंग लेकिन उतनी ही स्ट्रांग इस बार नजर आए डिफेंस में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी। और पासेस नहीं दे पा रहे हैं और रिदम उनका छूट गया ऐसा लगता है।
एक और मिस शशिंद्रा का, काफी आगे बढ़ गए बॉल को लेके, लेकिन फिर से मिस किया। डेढ़ मिनट का खेल बचा है सेकंड क्वार्टर में, राजस्थान लीड पर फिलहाल। वैसे नंबर सेवन जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, एक और सुंदर फिनिशिंग उनका, लगातार पॉइंट्स हासिल करते हुए। और मध्य प्रदेश अटैकिंग, सचिंद्रा अभी भी उनके पास मौका है और डिफेंस को उन्होंने छेद लिया, सुंदर फिनिशिंग था इस बार। और इसी तरह से उनको खेलना होगा अगर लीड कम करना है मध्य प्रदेश को, क्योंकि राजस्थान सेकंड क्वार्टर में शानदार खेल का प्रदर्शन दिखा है। केवल एक मिनट का खेल बचा है, मध्य प्रदेश कितने पॉइंट्स हासिल करेंगे देखना होगा। इस बार बहुत ही सुंदर नियंत्रण में रखा आखिर तक, और गोपी यादव ने पॉइंट्स हासिल किए। बहुत शानदार, कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं यहां पे राजस्थान। कुछ ही सेकंड्स बच गए इस सेकंड क्वार्टर में और राजस्थान दबाव में रखा इस सेकंड क्वार्टर में, लेकिन अब मिस किया और पॉइंट यहां पे मिलेगा मध्य प्रदेश को। काफी अंतर है फिलहाल और इस प्रकार से ये सेकंड क्वार्टर भी खत्म हो चुका है। अभी भी समय है, कुछ सेकंड्स, एक फ्री थ्रो इन, अच्छा मौका पॉइंट्स हासिल करने के लिए और बड़े आराम के साथ इस बार, लेकिन वो अंदर से नहीं गया था। और एक मौका मिलेगा खिलाड़ी को थ्रो करने के लिए डी के अंदर से, और मिस किया राजस्थान। बहुत ही सुंदर फिनिशिंग, पासिंग अच्छा उनका, और उसी प्रकार से फिनिश कर रहे हैं। और इस प्रकार से ये दूसरा क्वार्टर भी खत्म हो चुका है और फिलहाल लीड में है राजस्थान। और 10 अंक का लीड फिलहाल राजस्थान के पास। फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा स्ट्रगल किए थे, लेकिन उसके बाद शानदार अटैकिंग डिस्प्ले करते हुए अब दबाव में लेके आए मध्य प्रदेश को, जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस है। व्हाइट कलर के ड्रेस में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी, काफी उनको संघर्ष करना पड़ रहा है पॉइंट्स हासिल करने के लिए। और शुरुआत अच्छी रही थी, लेकिन डिफेंस पे बहुत मजबूत राजस्थान और अटैकिंग भी शानदार ढंग से कर रहे हैं, कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं राजस्थान के। सब ट्राई जैसे नंबर 5, पासिंग शानदार और फिनिशिंग भी बहुत ही खूबसूरती से यहां पे डी के अंदर जैसे नंबर 12 ने फिनिश किया। यहाँ पे एक और मिस मध्य प्रदेश के खिलाड़ी, काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। इस बार काफी आगे बढ़े बाल को लेके, लेकिन इतनी ही अच्छी डिफेंस राजस्थान के, डी के अंदर कोई मौका नहीं दे रहे हैं प्रवेश करने के लिए। और एक फ्री थ्रो इन फॉल के वजह से एक मौका, और एक बार उनको थ्रो करना पड़ेगा। अभी भी कम बैक कर सकते हैं और आखिर एक अंक यहां पे मिला है मध्य प्रदेश को।
काफी पुअर फिनिशिंग रहा है पिछले दो क्वार्टर्स में, जो शुरुआत उनको मिली है उसका फायदा नहीं उठा पाए मध्य प्रदेश। राजस्थान एंगल्स सही, उनके थ्रो इन सही, पासेज भी अच्छा दे रहे हैं और इमीडिएटली जो है डिफेंस के लाइन में आ जाते हैं और फैंस को रोक देते हैं, लेकिन इस बार रोक नहीं पाए। अभी भी 8 अंक का जो डिफरेंस है उसको फिलअप करने के लिए मध्य प्रदेश संघर्ष करते हुए। राजस्थान बहुत सुंदर पासिंग लेफ्ट साइड पे और बॉल को लेके आगे बढ़े, लेकिन फाउल रेफरी ने कहा, क्योंकि रोकने की कोशिश की थी खिलाड़ी को वहां एक्शन के समय। बहुत ही अच्छा मौका था, इस बार बहुत शानदार डिफेंस और मौका गंवाया राजस्थान ने। मध्य प्रदेश बहुत अच्छा अटैकिंग कर रहे हैं थर्ड क्वार्टर में और इस बार शानदार ढंग से पूरा भी किया वहां पे और लीड को कम कर रहे हैं, वही करना चाहिए। ये थर्ड क्वार्टर चल रहा है, थर्ड क्वार्टर में अभी भी 3.5 मिनट का खेल और राजस्थान लाइन के बाहर गए और रेफरी ने कहा और इसलिए मौका गंवाया वहां पे। और लंबे कद के इस मध्य प्रदेश के खिलाड़ी ने एक और सुंदर बास्केट, जैसे नंबर 12 जो कि तनवीर थे, और राजस्थान थोड़ा सा दबाव में आगे क्योंकि लगातार हासिल कर रहे हैं पॉइंट्स। मध्य प्रदेश डिफेंस में भी मजबूत, लेकिन सप्तऋषि जिनको रोकना काफी मुश्किल है, और काफी शानदार डिफेंस इस बार मध्य प्रदेश का और अटैकिंग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। थर्ड क्वार्टर में केवल 4 अंक का फिलहाल डिफरेंस है और उसको फिलअप करने का प्रयास जारी है मध्य प्रदेश के द्वारा। राजस्थान थर्ड क्वार्टर में काफी प्रेशर में आ गए, अच्छे अच्छे चांसेस गंवाए और तारीफ करनी होगी मध्य प्रदेश के डिफेंस की, और बहुत कम फाउल्स भी किए। और इस बार एक फ्री थ्रो इन, एंगल अच्छा था लेकिन डिफेंस में उतनी मजबूत इस बार। जैसे नंबर 12 बहुत शानदार ढंग से आगे बढ़े और रोकने की कोशिश, लेकिन इस बार रोक नहीं पाए और फिलहाल केवल 2 ही अंक का डिफरेंस है, 50-48 स्कोर। और मध्य प्रदेश शानदार कमबैक करते हुए यहां पे इस फाइनल मैच में, जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस है, लगातार पॉइंट्स हासिल कर रहे हैं, कोई मौका नहीं दे रहे हैं राजस्थान को, लेकिन इस बार रोक नहीं पाए। बहुत देर के बाद ये बास्केट राजस्थान के खिलाड़ी के द्वारा, लंबे कद के जैसे नंबर 12 जिन्होंने काफी पॉइंट्स हासिल किए और बहुत सुंदर एंगल और सुंदर फिनिशिंग। और 50-52 स्कोर, ज्यादा डिफरेंस नहीं है फिलहाल दोनों के बीच में, लेकिन 2 पॉइंट्स मिलने की वजह से 54 स्कोर हुआ राजस्थान का। तीसरा क्वार्टर जारी है, ज्यादा समय नहीं है तीसरा क्वार्टर में, 1:20 प्ले लेफ्ट इन द थर्ड क्वार्टर एंड मध्य प्रदेश हैव मेड अ ट्रेमेंडस कमबैक। दे वर लीडिंग इन द फर्स्ट क्वार्टर बट केम अंडर प्रेशर, लॉस्ट रिदम, लॉस्ट मोमेंटम, बट इन द थर्ड क्वार्टर दे आर राइट ऑन टॉप हियर, स्कोरिंग पॉइंट्स एंड ओनली 4 पॉइंट्स डिफरेंस इज देयर नाउ बिटवीन 3 पॉइंट्स डिफरेंस।
और इस प्रकार से एक और यहां पे अंक बटोरने का मौका राजस्थान, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक टग ऑफ वार का मुकाबला। तारीफ करनी होगी मध्य प्रदेश की, जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया और बड़ी आसानी से। जैसी नंबर 12 जिनकी हम बात कर रहे थे, लंबे कद के खिलाड़ी, सबसे लंबे कद के खिलाड़ी, और एडवांटेज होता है बास्केटबॉल में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि टॉल प्लेयर्स ऑफ बिग एडवांटेज इन दिस स्पोर्ट। राजस्थान स्ट्रगलिंग नाउ, लॉस ऑफ चौंसिया। मध्य प्रदेश अटैकिंग, स्कोरिंग पॉइंट्स कंफर्टेबली, बट दिस टाइम द राजस्थान डिफेंस वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। राजस्थान ऑन अटैक हियर, गुड पासिंग, गुड थ्रोज, बट द पुअर फिनिशिंग। मध्य प्रदेश बहुत ही जल्दी बॉल को लेके आगे बढ़े, और कुछ सेकंड्स का ही खेल बाकी है, लेकिन सुंदर ढंग से यहां पे बास्केट में डाला और लीड में आ गए मध्य प्रदेश थर्ड क्वार्टर में। तारीफ करनी होगी मध्य प्रदेश की, और ये बेल, इस प्रकार से तीसरा क्वार्टर खत्म हो चुका है और एक अंक का लीड है मध्य प्रदेश के पास, 55-54 स्कोर। We welcome you back once again. This is the final quarter of this boys final, and Madhya Pradesh have really made a tremendous comeback. They are attacking now, leading by a solitary point now. 55-54 is the score, and this final quarter going to be very important for both the sides. Rajasthan lost the momentum in the third quarter and they conceded quite a few points. They lost the rhythm, lost the momentum, and they are now trying to score points, struggling. Good pass, and the finishing was fantastic. But good counter attack here by Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is not leaving any opportunity. Rajasthan, bit of struggle here for them, and Madhya Pradesh are so strong in defense, not giving any chance, and wonderfully attacked, but the referee was not happy with the throw. So no points given. The 43rd Sub Junior National Basketball Championship is being held in Hyderabad at the Sarur Nagar Indoor Stadium. Today is the final day, and Madhya Pradesh and Rajasthan are fighting here for the title. The defending champions, Madhya Pradesh, are in lead now. Madhya Pradesh in white dress. Jesse in number 9 has done a good job, and 12 has been superb. Aur lagatar hasil kar rahe hain Madhya Pradesh yahan pe points. Rokna mushkil Madhya Pradesh ko. 5 ank ka filhal difference hai dono ke beech mein. Aur lagbhag 3 minute ka khel khatam ho chuka hai, aur fouls zyada kar rahe hain Rajasthan ke khiladi. और उसका फायदा उठाते हुए मध्य प्रदेश, सुंदर पासिंग, तालमेल अच्छा, और काफी डिस्टेंस है, और अच्छा बॉल को पिकअप किए थे वहां पे जैसे नंबर 12, लेकिन इस बार फिर से एक बार मौका उनके पास, अच्छी तरह से छीन लिया गेंद को। ओ, बहुत ही सुंदर डिफेंस इस बार राजस्थान का, बहुत सुंदर ढंग से गेंद को पिकअप किया, काफी आगे बढ़े, और फिनिशिंग उतनी ही सुंदर था। जैसी नंबर 7 सचिंद्र शर्मा, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया अपनी टीम के लिए। राजस्थान जैसी नंबर 6 डिफेंस में काफी मजबूत है। मध्य प्रदेश फर्स्ट क्वार्टर में जो खेल
का प्रदर्शन उन्होंने दिखाया और उसी को यहाँ पे दोहराते हुए और लीड बढ़ता जा रहा है उनके पक्ष में। फिलहाल 7 अंक का जो डिफरेंस है उसको फिलअप करना होगा राजस्थान को। राजस्थान सडनली प्रेशर में आ गए, दबाव में आ गए, एक बार पास नहीं दे पाए बारा को। डिफेंस में काफी अच्छा था, बॉल को लेके बहुत ही सुंदर ढंग से उसको बहुत अच्छी तरह से वहां पे पिकअप किया। तारीफ करनी होगी मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों की, डी के अंदर डिफेंस में बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं। अच्छा पास बहुत ही खूबसूरती से, 12 को जब गेंद मिलता है तो बास्केट में डालते, लेकिन इस बार मिस किया। लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा फिनिशिंग रहा है सचिंद्र शर्मा, जिनकी हम तारीफ कर रहे थे, लगातार पॉइंट्स हासिल कर रहे हैं यहाँ पे और मध्य प्रदेश लीड में आगे। 5 मिनट का खेल बचा है इस फाइनल में, राजस्थान के ऊपर दबाव बढ़ रहा है और डिफेंडिंग चैंपियंस मध्य प्रदेश इस प्रतियोगिता में काफी अच्छा रहा उनका प्रदर्शन शुरुआत से। अच्छा पास, लेकिन संघर्ष कर रहे हैं, रिसीव नहीं कर पा रहे हैं ठीक ढंग से और उतनी ही स्ट्रांग डिफेंस में मध्य प्रदेश। बहुत ही शानदार ढंग से फिनिश करना चाह रहे थे सचिंद्रा, लेकिन इस बार डिफेंस में काफी अच्छा और राजस्थान को यहां पे लगातार पॉइंट्स हासिल करना चाहिए क्योंकि काफी पीछे हैं और बहुत देर बाद एक बास्केट उनके फेवर में और इसी तरह से उनको खेलना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश अब बहुत अच्छा आक्रामक रवैया अपनाया है और फिनिशिंग भी उतनी ही अच्छी थी इस बार। जैसी नंबर 8 शेख सैफ अली, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपनी टीम के लिए सेकंड क्वार्टर में। मध्य प्रदेश अब थोड़ा सा दबाव दोनों टीम्स के ऊपर क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, फिलहाल 4 मिनट और 30 सेकंड का खेल बाकी है। एक और सुंदर फिनिशिंग लगातार बास्केट में डालते हुए और 7 अंक का डिफरेंस। डिफेंस में भी मजबूत, कोई मौका नहीं दे रहे हैं डिफेंडिंग चैंपियंस मध्य प्रदेश। और सचिंद्रा ने 12 को दिया और 12 ने फिनिशिंग बहुत अच्छा किया, सुंदर पास, उसका भरपूर फायदा उठाया। जैसी नंबर 12 विराट धाकड़, राजस्थान अब जीत के बिल्कुल करीब आते हुए मध्य प्रदेश। उनको इसी तरह से अटैकिंग करना चाहिए, पॉइंट्स हासिल करना चाहिए और अपने लीड को बरकरार रखना चाहिए। राजस्थान बहुत ही लॉन्ग अच्छा डी के अंदर पास, लेकिन फिनिशिंग पुअर, बास्केट में नहीं रख पा रहे हैं और बहुत ही पोर फिनिशिंग रहा है पिछले 2 क्वार्टर्स में राजस्थान के खिलाड़ियों का। मध्य प्रदेश ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डिफेंडिंग द टाइटल हियर, दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। दिस टाइम ए मिस फ्रॉम दैट कॉर्नर, राजस्थान स्ट्रगलिंग टू स्कोर पॉइंट्स द लास्ट 2 क्वार्टर्स, बट दिस टाइम वेरी गुड फिनिशिंग बाय जैसी नंबर 6 देयर नवदीप सिंह, who's been one of their key players this afternoon here. Sarur Nagar Indo Stadium is the venue for this final. And just number 12 was stopped. Good defense by Rajasthan. 2 minutes 30 seconds play left in the finals. This is the final quarter. 65-60, Rajasthan still have a chance, but Madhya Pradesh are not losing any chance here. 67-60 now.
वन मोर बास्केट राजस्थान के कोच वहां पे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफी एंग्री नजर आते हुए वहां पे, इज वेरी एंग्री द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर्स. लॉस्ट ए गुड अपॉर्चुनिटी इन फैक्ट इन द सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर, पर्टिकुलरली इन द थर्ड क्वार्टर दे वर टोटली ऑफ कलर एंड नाउ स्ट्रगलिंग. ओनली टू मिनट्स प्ले लेफ्ट. कैन राजस्थान मेक ए कम बैक? लॉन्ग थ्रो बट वॉज नॉट रिसीव्ड बाय शेख सैफ अली. इट वॉज वेरी फास्ट. Good pass, good passing. They know they are calculating very well. The moves, the time, and finishing was superb again by Sachindra Sharma, who's been their top scorer in this championship, in this tournament. And Rajasthan struggling still, but making fouls. So 69-62. 1 minute play left in the finals. So Madhya Pradesh are on the verge of winning one more title here, one more championship here. This time they miss, but still the ball is in their control. Bahut hi acha pass. Fir se ek baar थ्रो सही नहीं था. और कुछ ही सेकंड्स का खेल बाकी है और इसी तरह से पॉइंट्स हासिल करना चाहिए कम बैक करने के लिए राजस्थान को, लेकिन मध्य प्रदेश को रोकना मुश्किल हो रहा है. ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ज्यादा समय भी नहीं है इस मैच में. और देखना यह है कि मध्य प्रदेश किस तरह से अपने खेल को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि केवल कुछ सेकंड्स बच गए हैं और एक दो थ्रो यहां पे बड़ी मुश्किल से हो सकते हैं. और पॉइंट्स मिल गए इन फेवर ऑफ मध्य प्रदेश द डिफेंडिंग चैंपियंस. एंड वी वेट एंड सी वेदर राजस्थान कैन मेक ए कमबैक. राजस्थान के खिलाड़ी जो कि मरून कलर ड्रेस में, टाइम आउट लिया गया और केवल कुछ ही सेकंड्स का खेल बचा है यहां पे. मध्य प्रदेश जीत के बिल्कुल करीब आगे, हालांकि संघर्ष उनको करना पड़ा था सेकंड क्वार्टर में. उनका मोमेंटम वे खो चुके थे, रिदम खो चुके थे, लेकिन तीसरा जो क्वार्टर था उसमें काफी पॉइंट्स हासिल किए और लीड में आ गए. और लीड अभी भी उनके पास और बाल भी उनके फेवर में. कुछ ही सेकंड्स, जैसे नंबर 12 बहुत ही शानदार काम उनका रहा है और फिनिशिंग इस बार गया इस प्रकार से. मध्य प्रदेश ने फिर से एक बार यहां पे शानदार प्रदर्शन करते हुए टाइटल जीता है. 43rd सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप.